गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टी एस एंड द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 11 वन्य पशुओं की होली को पढ़ेंगे। यह कविता है और इस कविता में, जैसा कि इस कविता का नाम है वन्य पशुओं की होली, यानी कि जो वन के जानवर हैं उनके द्वारा होली खेली जा रही है, तो किस प्रकार होली खेल रहे हैं इसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है इस पाठ के अंदर। होली का जो त्यौहार होता है, जब होलिका जी का अंत हो गया, जब वो प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठती है, लेकिन भगवान की कृपा इतनी होती है कि प्रहलाद जी बच जाते हैं और इका होलिका जी का अंत हो जाता है, तो उनके अंत हो जाने के बाद बड़ी खुशी से मनाया जाता है। और जो ये होली है वह रंगों का त्यौहार है और इसे हम सभी मिलजुल कर बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में वन के जो पशु हैं उनकी होली का बड़ा ही एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो हम इस कविता को देखते हैं कि इसमें वन के पशु किस प्रकार होली खेल रहे हैं। आया फागुन मास जब होली के दिन आए, हर्षित हो मृगराज ने वन्य पशु बुलवाए। इसमें आया कि आया फागुन मास, होली कौन से महीने में आती है? होली आती है फागुन मास में। हिंदी के जो महीने हैं उनमें है फागुन मास, तो फागुन के महीने में होली का पर्व आता है। आया फागुन मास जब होली के दिन आए, कि जब फागुन का महीना आया तो कौन से दिन आ गए हैं? होली खेलने के दिन आ गए हैं। हर्षित हो मृगराज ने वन्य पशु बुलवाए, हर्षित यानी कि प्रसन्न होकर, और मृगराज का मतलब होता है सिंह या शेर। तो जो जंगल के राजा शेर हैं, उन्होंने क्या हुआ, बड़े प्रसन्नता के साथ सभी वन के जो पशु हैं उनको अपने पास बुलाया। भालू आया पकड़ कर ज्यों एक पिचकारी, मारी मियाँ शशक ने अति उच्च खिलकारी। और जब जो शेर हैं वो सारे जानवरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम अपने जंगल में एक होली का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो सारे जानवर आएंगे और मिलकर होली खेलेंगे। तो उसके बाद भालू क्या करता है, अपने हाथ में एक पिचकारी लेकर आता है। वो मारी मियाँ शशक ने अति उच्च खिलकारी, और जो शशक यानी कि खरगोश है वो क्या हो गया, वो अत्यंत खुश हो गया वो, और एक बहुत ऐसे उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, किलकारी निकलती है। तो अनुपम कौतिक देख कर चकित हुए वनराज, रंगों का त्यौहार है बोले सचमुच आज। तो जब भालू एक पिचकारी लेके आ जाता है और जो खरगोश है वो खुशी के मारे उसके मुंह से चीख निकलती है, तो इस अनुपम कौतुक यानी कि अनुपम जो बिल्कुल अलग सी जो चीज़ें हो रही थी जानवरों के साथ, उनको देखकर चकित हो जाते हैं वो कि जानवरों में कितनी प्रसन्नता हो रही है। और फिर बोलते हैं कि रंगों का त्यौहार है, कि जो ये पर्व है, ये जो होली है, सचमुच में ही कैसा है, रंगों का त्यौहार है, और आज हम इसको मिलजुल कर मनाएंगे या खेलेंगे। अवसर ताके लोमड़ी घोल डोल में रंग, तर कर दूं खर राज का क्यों ना मैं अंग अंग। आगे बताया कि होली का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है, तो उसमें जानवर किस प्रकार से होली खेल रहे हैं। अवसर ताके लोमड़ी, जो लोमड़ी है, जैसा कि पता है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो वो अवसर लगाकर बैठी है, ताक में बैठी हुई है, घोल डोल में रंग, और क्या कर रखा है उसने, एक डोल है, एक बर्तन है उसके पास, उसमें उसने रंग को घोल रखा है। तर कर दूं खर राज, खर राज कौन होते हैं, गधा, गधे को खर्राज कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो कतर कर दूं खर्राज का क्यों ना मैं अंग अंग, कि जो लोमड़ी है वह खर्राज यानी कि गधे को रंगना चाहती है, तो उस वो ताक लगा के बैठी कि मैं किस प्रकार से गधे को, गधे के पूरे अंग अंग को, अंग अंग पूरा अंग अंग मतलब पूरे शरीर को किस प्रकार से रंगूं, इस प्रकार से वो सोच रही हैं, घात लगा के बैठी हुई हैं कि मैं कब मुझे मौका मिले और मैं कब गधे को रंग से रंग दूं। भापा गर्धव राज ने मौसी का कुविचार, 9-2-11 हो गए मार दुलत्ती 4। अब भापा, भाप लिया, जैसे हम कहते हैं ना, हमें पता चल जाना किसी चीज़ का कि लोमड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहती है, तो ये चीज़ गधे को, गर्धवराज यानी कि गधे को पता लग गई है। मौसी का कुविचार, जो लोमड़ी मौसी यानी कि लोमड़ी के जो कुविचार, जो बुरा विचार था उसको रंगने का, उसके बारे में गधे को
पता चल गया है, 9, 2, 11 हो गए, मार दुलत्ती 4। तो उन्होंने क्या किया, उस लोमड़ी को अपने लात से यानी पैरों की जो लात होती है वो 3-4 मार दी, और वहाँ से 9, 2, 11 हो जाना का मतलब होता है भाग जाना, और वो वहाँ से भाग गए। उड़ी हवा में लोमड़ी खाकर गहरी चोट, छूट हाथ से डोल भी भूमि पे गया लोट। जब गधे ने लोमड़ी को दुलत्ती मारी, लात मारी, तो उससे क्या हुआ, जो लोमड़ी है वो हवा में उड़ गई, और जो हवा में उड़ी और वापस ज़मीन पर आके गिरेगी तो क्या हुआ, उसको गहरी चोट आ चुकी थी। छूट हाथ से डोल भी, और जो उसके हाथ में रंग का जो डोल था, जो बर्तन था, वो भी क्या हो गया, गिर गया था, वो भी फैल गया, भूमि पर गया लोट, और जो रंग है उसमें जो डोल के अंदर रंग था वो पूरी ज़मीन पर फैल चुका था। वानर मियाँ गुलाल से भरकर थाली आज, जा थमके उस ठाव पर खड़े जहाँ गजराज। अब आगे दूसरे जानवरों के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार होली खेल रहे हैं। वानर, वानर का मतलब होता है बंदर, जो वानर मियाँ हैं, जो बंदर हैं, वो गुलाल से क्या ले आए, एक आज एक थाली भर कर लेके आए, वो एक थाली में गुलाल भर कर ले आए हैं। जा थमके उस ठाव, ठाव का मतलब होता है जगह, और उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गजराज यानी कि हाथी खड़ा हुआ था, वो उसी जगह पर पहुंच गए हैं। डाला जो कपिराज ने भर मुट्ठी में गुलाल, और कपि, कपि यानी कि बंदर, कपिराज यानी कपियों का राजा यानी कि बंदर, ने जो ही मुट्ठी भर के गुलाल किस पर डाला, गजराज पर डाला, तो क्या हुआ, मुंह फेरा गजराज ने होकर अति बेहाल। बच्चों आपको भी पता होगा, जब आप होली खेलते हो और अचानक आपके हाथ में गुलाल है और आप उसको किसी के आँख मुंह पे फेंकोगे तो जो गुलाल होता है वो उसकी आँखों में चला जाता है, और आँखों में जाने के बाद क्या होता है, हमारी आँखों में दर्द होने लगता है और हमारा जो हाल है वो काफ़ी बेहाल हो जाता है। तो यही हाल किसका हुआ है, यहाँ पर हाथी का हुआ है। जब बानर ने गुलाल फेंका तो वो उसकी हाथी की आँखों में चला गया। तो मुंह फेरा गजराज ने होकर अति बेहाल, तो गजराज ने, हाथी ने मुंह फेर लिया, कैसे, अति बेहाल होकर, उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो वो उन्होंने दर्द के मारे अपने जो चेहरा है उसको दूसरी साइड में फेर लिया। पिचकारी भी हाथ में रही रंग से हीन, किसके वे उस ठोर से हालत थी अति दीन। और जो गजराज के हाथों में जो रंग से भरी हुई जो पिचकारी थी वो कैसी हो गई है, वो रंग से विहीन हो गई है, रंग से हीन हो गई, क्योंकि जब पिचकारी हाथ से गिरेगी तो उसमें से रंग तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो जो उनकी पिचकारी है वह भी कैसी हो गई है, रंग से हीन हो गई है, रंग के बिना हो गई है। किसके वे उस ठोर, ठोर का मतलब होता है जगह, और जिस जगह पर वो खड़े हुए थे, जिस जगह पर ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पर वानर ने हाथी की आंखों में गुलाल डाला था, वे उस जगह से चले गए, खिसक गए यानी कि दूसरी जगह पर चले गए, क्योंकि उनकी हालत थी अतिदीन, क्योंकि रंग के कारण उनकी आंखों में बहुत अधिक दर्द हो रहा था और उनकी हालत अत्यधिक दीन हो रही थी। तो बच्चों इस कविता में हमने देखा कि वन्य पशुओं ने किस प्रकार से होली खेली, किसी ने कुछ चालाकी करी, कोई किसी को रंगना चाहता था, किसी ने किसी को दुलत्ती मार दी। ऐसा हमारे बीच में भी होता है, आपने खेला होगा ना, कोई आपकी आंखों में रंग डाल देगा तो वापस आप चाहोगे कि मैं भी उसको रंग दूं, तो ऐसा हंसी मजाक, ऐसी छुटपुट सी घटनाएँ होती रहती हैं। तो बच्चों आगे शब्दार्थ हैं आपकी पुस्तक में, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हर्षित, हर्षित का मतलब होता है प्रसन्न होना। वन्य जंगली, कौतुक विस्मयकारी दृश्य। तर भीगा हुआ, भापा ताड़ लिया या पता चलना। कुविचार बुरा विचार। कपि बंदर। थौर जगह। मृगराज सिंह को कहते, शेर को कहते हैं मृगराज। अनुपम अद्भुत, एकदम अनोखा। चकित होना हैरान होना। खर गधा, गर्धव गधा। खर और गधा का मतलब, खर और गर्धव का मतलब गधा ही होता है। ठाव का मतलब, ठाव और ठोर का मतलब जगह होता है। हीन मतलब बिना। दीन पतली या बुरी या असहाय होना। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपके शब्दार्थ थे। तो बच्चों आज का ये जो पाठ है वन पशुओं की होली, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वन के पशुओं ने होली खेली। और बच्चों
इसको एक बार और आप पुनः पढ़िएगा, तो जिससे और इसमें समझ में आ जाएगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है और उसका मतलब क्या निकल रहा है। तो बच्चों आप इस पाठ को अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद।